वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि आयकर गणना में क्या होती है धारा 87A की छूट और ये किस शर्त पर मिल सकती है। यहां पर ये एक साथी एम्प्लॉई है जिनकी ग्रॉस इनकम हो रही है 7,26,955 रुपये। वैसे तो यहाँ पर इनको 12,500 की छूट मिली हुई है क्योंकि इनका टैक्स 10,409 बन रहा है, फिर भी यहाँ पर लेस देन 12,500 तो यहाँ पर टैक्स जीरो हो गया है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होगी है कि इनको पिछले वित्तीय वर्ष की फरवरी 20 की सैलरी इनको अभी मिली है और ये सैलरी इसमें ऐड करनी है तो इनकी क्रॉस इनकम बढ़ जाएगी। फिर भी अपन इनको 12,500 की छूट दे देंगे 87A के अंतर्गत। वो अपन कैसे देंगे ये इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर उनकी फरवरी 20 की सैलरी अपन ऐड कर लेते हैं। उनका GA 55 फिलहाल कितना बता रहा है वो भी अपन देख लेते हैं, जैसे 7,13,515 रुपये बता रहा है। और यहाँ पर फरवरी 21 की उनकी सैलरी जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो GA 55 है उनका, उसमें यहाँ पर एक सैलरी एक्स्ट्रा और भी है जो पिछले वित्तीय वर्ष की है, फरवरी 20 की सैलरी। वैसे आप सभी जानते हैं मार्च 20 से लेके फरवरी 21 तक का आयकर गणना प्रपत्र अपन को वित्तीय वर्ष में देना होता है, लेकिन यहाँ पर एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी है और इसमें अपन को ऐड भी करनी है। यहाँ पर वो सैलरी कितनी है, 43,800 उनका बेसिक है और 52,56 DA 35,04 और यानी कि यहाँ पर 52,560 ये टोटल सैलरी अपन उसमें ऐड कर लेते हैं। ये सैलरी उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी, 43,800 उनका जो बेसिक था फरवरी का, 52,56 DA और 35,04 उनका HR हो गया यानी कि 52,560। अब उनका डिडक्शन कितना है वो भी अपन देख लेते हैं उस फरवरी मंथ का। यहाँ पर उनका NCPF कटा था 49,006, 912 LIC थी और 3,000 SIPF था और 43,745 रुपये उनको शेष मिला था, तो वो अपन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 49,006 और 3,000 SIP डिडक्शन था। दोस्तों, ये वीडियो में केवल 87A की छूट अपन किस तरीके से ले सकते हैं, अगर आप इसके करीब आते हैं तो बिल्कुल आप भी इसमें ले सकते हैं। 43,742 यानी कि उनकी ग्रॉस इनकम होगी 7,13,515 रुपये, ग्रॉस इनकम बढ़ गई और यहाँ पर उनका जो GA 55 है वो भी इतनी इनकम बता रहा है, 7,13,555। अब उनका टैक्स बढ़कर कितना हो गया ये भी यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन शीट पर 13,399। दोस्तों, ये किसी साइबर कैफे से पहले बनवा कर लाए थे, उनमें उनकी टैक्सेबल इनकम 5,10,000 के ऊपर बता दी थी, लेकिन यहाँ पर अपनी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 5,19,20 आ रही है। अब इनको 87A की छूट अपन दे सकते हैं, या तो अपन कैसे दे सकते हैं कि ज्ञान संकल्प पोर्टल के अंतर्गत अगर इस राशि को अपन ख श्रेणी का दान होता है, जो मंदिर मस्जिद गौशाला में दिया गया दान होता है ख श्रेणी का होता है, इसमें 50% की छूट होती है, तो उसको 1920 की बजाय यहाँ पर करीब 4,000 रुपये डालना पड़ेगा जब ये 1920 लेस होगा। लेकिन अगर क श्रेणी का दान यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को दिया हुआ दान होता है वो क श्रेणी का होता है, तो अपन अपने PO को एक एप्लीकेशन लिख के और वो एम्प्लॉई द्वारा एप्लीकेशन लिख के इसमें क श्रेणी का दान यानी कि कोरोना डिडक्शन अगर अपन करवा देते हैं, यहाँ पर 2,000 रुपये यानी कि दिसंबर मंथ की सैलरी से इनके 2,000 रुपये डिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल इनकम यहाँ पर होगी 4,99,917 यानी कि 5,00,000 से कम। और यहाँ पर 5,00,000 से कम आय होने पर 87A के तहत 12,500 की छूट मिल गई और ये उनका टैक्स हो गया जीरो, जबकि पहले उनका टैक्स कितना था यहाँ पर 13,000 और ऊपर कुछ टैक्स इनका बन रहा था, वो टैक्स जीरो हो गया। तो दोस्तों, ये एक टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा आइडियाज लगाने से यहाँ पर 5,00,000 तक की करयोग्य आय होने पर छूट नियम धारा 87A के तहत 12,500 की छूट अपन ले सकते हैं। और ये मैं आपको एक उदाहरण आपको इसमें और भी बताने वाला हूँ। ये टैक्स कैलकुलेशन एक GPF एम्प्लॉय की है और GPF एम्प्लॉय की यहाँ पर 9,25,657 रुपये उनकी ग्रॉस इनकम है। अब इसमें भी उन्होंने 87A के तहत 12,500 की छूट यहाँ पर ले ली है और टैक्स जीरो हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि उनका होम लोन होगा तो होम लोन में
फुल प्लस टैक्स रिबेट यानी कि 2 लाख तक की गृह ऋण छूट, यहाँ पर 2 लाख इंटरेस्ट इन्होंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर उनकी और भी टैक्सेबल इनकम आ गई 6,75,697, उसमें भी 1.5 लाख माइनस हो गया। और 1.5 लाख माइनस होने के बाद में यहाँ पर नीचे आए तो टैक्सेबल इनकम होगी, और उसके बाद में 80D यानी कि चिकित्सा बीमा प्रीमियम उनकी 20,077 की, जो स्टार हेल्थ वगैरह का कोई बीमा होगा तो वो भी उन्होंने ऐड कर दिया। अब उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 4,54,515, और 4,54,515 लेस देन 5 लैक्स, तो यहाँ पर इनको 5 लाख से कम कर योग्य आय पर 12,500 की छूट मिल गई। तो ये भी एक टेक्निकल, बहुत ही बड़ा टेक्निकल था, जिसमें इनका टैक्स कितना बन रहा होगा ये तो मुझे पता नहीं है, करीब 19-20 हज़ार के आसपास बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पर टैक्स जीरो हो गया। तो दोस्तों एक छोटा सा टेक्निकल इशू है जिसमें 12,500 तक की कर योग्य आय होने पर यानी कि 5 लाख तक की कर योग्य आय होने पर 12,500 की छूट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये जो प्रपत्र मैंने बनाया था ये एक प्रबोधक एम्प्लॉय का था, और वो पहले किसी साइबर कैफे या प्राइवेट कंप्यूटर वाले से बनवा कर ले आए थे और उनको यहाँ पर 15,500 का टैक्स दे दिया था, फिर वो मेरे पास में आए और मैंने इसमें संशोधन करके उनको टैक्स जीरो करके दे दिया। तो दोस्तों इसमें आप अगर इस 5 लाख तक की कर योग्य आय के ऊपर नीचे या थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे हो तो आप इसकी छूट ले सकते हैं, या तो आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के अंतर्गत जो खर्च श्रेणी का दान होता है उसमें आप जमा करवा दें, लेकिन उसमें डबल करवानी पड़ती है, या फिर आजकल कोरोना रिलीफ चल रहा है तो उसमें अपनी जो डिडक्शन है उसमें 100% भी आप करवा सकते हैं। तो उसमें 100% कोरोना डिडक्शन में भी आप कटौती करवा सकते हैं, तो उसमें 100% बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जिसमें 87A के अंतर्गत 5 लाख तक की कर योग्य आय होने पर 12,500 तक की छूट अपन ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।